सिडको के खिलाफ सवालों का सिलसिला अभी भी नहीं थमा है। अब हमारे साथ जो लाइव सेशन में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एनालिस्ट राजीव मोहन मिश्रा जी, तमाम सरकार की योजनाओं पर आप नजर रखते हैं, चाहे वो प्रकटग्रस्तों की समस्याएं हो, इंडस्ट्री की हो, कारोबार की हो, आपका एक अच्छा अनुभव है और हम इनसे जानने की कोशिश आज करेंगे अपने सभी आप दर्शकों के लिए कि वाकई जो सिडको की भूमिका है 50 साल में कितनी खरी उतरी है और जो मकसद से सिडको की स्थापना की गई थी, जितने कैपिटल पे स्थापना की गई थी, आज उस कैपिटल को लेकर जो मकसद के साथ उसे आगे बढ़ना था, सिडको कहाँ तक पहुँची है और अगर आज प्रकटग्रस्तों का काला दिवस आंदोलन चल रहा है तो उसमें सिडको के अधिकारियों की भूमिका, राज्य सरकार की भूमिका किस तरह से है, हम आपके ऑब्जर्वेशन के जरिए जानने की कोशिश करें। मिश्रा जी, आपका स्वागत है इस लाइव सेशन में। आप तो तमाम सरकार की योजनाओं को देखते रहे हैं, पॉलिसीज को लेकर गंभीरता से आप नजर रखते हैं, सिडको के 51 सालों की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं? और जैसा अभी पिछले सेशन में हमारे साथ दशरथ भगत जी जुड़े थे, उन्होंने ये बात कही कि आज जो काला दिवस आंदोलन चल रहा है ये सिर्फ प्रकल्पग्रस्तों का नहीं है बल्कि यहाँ के जो वो लोगों का भी उनके साथ अन्याय है जो यहाँ पर लीज पर रहते हैं। सिडको ने पैसा लिया उनको मालिकाना हक देने के लिए, लेकिन उनको 60 साल और जो उसका टर्म है उसमें करार करके उन्हें लीज पुत्र बना दिया। आप एक एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या मानते हैं, सिडको की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? अब ये 51 सालों बाद हम इसका ऑब्जर्वेशन इसलिए कर रहे हैं, इस पर मंथन इसलिए कर रहे हैं कि आज भी तमाम समस्याएं, तमाम आंदोलन उसी तरह से जारी है। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि भारत के बहुत कम ऐसे शहर हैं जो रॉ लैंड पे बसाए गए हैं। रॉ लैंड पे बसाने के चलते सिडको का जो आप ये न्यू मुंबई शहर आप देख रहे हैं, ये नवी मुंबई शहर आपको क्यों आज बाकी की शहरों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा डेवलप दिखाई देता है? वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आप रॉ लैंड पर आपने अपनी एक प्लानिंग रखी थी, आपके पास पहले से कुछ नहीं था, आपने सब नया क्रिएट किया है। तो सब नया क्रिएट करने से आपके पास सफिशियंट ग्राउंड या जगह मौजूद थे जहाँ आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते थे और उस प्रॉपर प्लानिंग के अंतर्गत ही सिडको का जो डीपी तैयार हुआ था, जिसको डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं, वो बहुत अच्छा तैयार हुआ था। अगर आप उसके अनुसार देखने जाएंगे तो सिडको ने इस शहर को हर कुछ देने का उसमें मेंशन था, हर कुछ देने का प्रावधान किया था। और दूसरा चीज कि ये शहर जो डेवलप होता वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से, वो प्रदूषण के दृष्टिकोण से, वो बाकी सारी चीजों के दृष्टिकोण से भी बहुत ही सेफ और बहुत ही सुंदर शहर के रूप में इसको विकसित किया जा सकता था, इतना प्रावधान इसमें किया गया था। लेकिन जैसे जैसे सिडको का मतलब कहिए कि शहर का विकास होना शुरू हो गया, वैसे वैसे सिडको की नीयत बदलती गई और सिडको की नीयत जो बदलती गई, सिडको में जो एक समझो कि बेईमानी का एक जो नीयत आ गया और उसके साथ उसको उसकी बेईमानी को समर्थन देने वाले नेताओं का जो एक काफिला जुटने लगा, उसके बाद जो है जो आम लोगों के लिए जितनी प्लानिंग थी वो धीमे धीमे घटती गई और जो बड़े लोग थे, जो प्रभावशाली लोग थे, जो उद्योगपति लोग थे, जो बिल्डर्स थे, उस लॉबी के लिए सिडको ज़्यादा काम करने लगी। और इसी का नतीजा आप ये जो देखते हैं कि आंदोलन जो आपको दिखाई दे रहा है या कहीं कहीं पर सारे लोगों की भी कुछ शिकायत रहती है कि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं हो सका, वो चीज़ नहीं हो सका, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नागरिक सुविधाएं पीछे, उसके पीछे रीजन यही है कि अब सिडको जो है उसने व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना लिया और व्यावसायिक दृष्टिकोण सिडको के फायदे के लिए नहीं अपनाया। मैं दावे से कह सकता हूं कि इसे सिडको का फायदा नहीं हुआ, सिडको ने दूसरे को व्यावसायिक फायदा पहुंचाने के लिए वो अपने चंद ऑफिसरों की अवैध कमाई को साधन बनाने के लिए वो व्यवसायियों के साथ हाथ मिला लिया, जिसका कि असर आज आपको शहर पे दिखाई देता है या आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है। और रही बात भूमिपुत्रों की, जो आप बोल रहे हैं कि भूमिपुत्र इसको काला दिवस के रूप में मनाने का, मैं तो बोलता हूं शुरू से कि सिडको से ज्यादा अगर भूमिपुत्रों का कोई रियल माने में दोषी है, जो भूमिपुत्रों के साथ गद्दारी किया है, वो है प्रकल्पग्रस्त नेता। जितने प्रकल्पग्रस्त नेता हैं आप उनका नाम जोड़ लीजिए, उन लोगों ने सिडको से जितना फायदा कमाया है उतना आप अनुमान भी नहीं कर सकते। आज सारे प्रकल्पग्रस्त नेता अरबपति हो गए, एक दीवा पाटिल साहब को आप छोड़ दीजिए जिनका नाम मैं जिंदगी में कभी भी कहीं भी लूंगा तो उनके सम्मान में मेरा सर झुकेगा कि एक दीवा पाटिल साहब को अगर आप छोड़ दीजिए जिन्होंने निस्वार्थ तरीके से प्रकल्पग्रस्तों की आवाज को बुलंद किया था, बाकी सारे नेताओं ने प्रकल्पग्रस्तों के आंदोलन का फायदा लिया है और प्रकल्पग्रस्तों के साथ छल करने का काम किया है। अभी जो कंडीशन दिख रही है कि 51 साल हो गए अभी तक प्रकल्पग्रस्तों को न्याय नहीं मिला, आज भी 12.5% योजना का कहानी चल रही है, आज भी शिकायतें हैं,
अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिडको का कहना है कि 95% तक समस्याएं हल हो गई हैं, लेकिन 51 साल में 95% तक ही क्यों ये समस्याएं हल होनी चाहिए। दूसरा, विकास से जुड़ी हुई तमाम ऐसी समस्याएं, नया अभी जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, एयरपोर्ट ले लीजिए, आज भी उसका अधिग्रहण चल रहा है। ये जो एक्सपीरियंस है प्रकल्पग्रस्तों का, क्या आपको नहीं लगता कि सिडको ने सरासर बेईमानी की और इसकी वजह से आज जिन्होंने सिडको से अधिग्रहित की गई जमीनों पर अपना अपना जीवन जो यापन कर रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है बड़े पैमाने पर? नहीं, एक आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गया था कि सिडको के यहाँ हम लोग जिन लोगों ने भी या तो मकान खरीदा या तो जमीन खरीदी, वो आज भी किराएदार के रूप में लेसर एंड लीजी ये वर्ड यूज किया जाता है। मैं आपको बताऊं, अभी आप समझो, सिडको ने जो जमीन अधिग्रहित किया, क्या वो लीजी बन के किया? क्या वो प्रकल्पग्रस्तों के साथ लीजी है, प्रकल्पग्रस्तों को लेसर बनाया है? नहीं बनाया, नहीं बनाया। तो हमको फिर लीजी बनाने का क्या मीनिंग है? या जो प्रकल्पग्रस्तों को 12.5% की जमीन दी गई या 22.5% की जमीन दी गई, उसमें उनको लीजी क्यों बनाया? उनको अगर आप जैसे आपने हमारी जमीन पूरी तरीके से अपने कब्जे में ली है, वैसे जब आप हमको जमीन बेच रहे हैं या मकान बेच रहे हैं, उसमें पूरा राइट्स मेरा दीजिए ना। उसमें आप क्यों मेरे राइट्स में आप किराएदार या बढ़ोतरी शब्द का यूज कर रहे हैं? मैं बढ़ोतरी नहीं हूं साहब, आपको इतना इतना पैसा दे करके लोग जमीन खरीद रहे हैं, इतना इतना पैसा देकर के आपसे मकान खरीद रहे हैं, और उसमें भी आप किराया लगाएंगे? ये तो वो वाली बात हो गई कि एक तरह से आप हमसे जिसको बोलते हैं कि डिपॉजिट विदाउट रेंट जिसको बोलते हैं, आप एक तरह से वो काम कर रहे हैं कि हमसे इतना हेवी डिपॉजिट ले रहे हैं, रेंट नहीं ले रहे हैं लेकिन इतना हेवी डिपॉजिट ले रहे हैं क्योंकि आपने किराएदार की संख्या दे रखी है। आप हमको मालिक बनाइए साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जितने भी मकान और जमीन है सिडको के अंतर्गत उनको फ्री होल्ड होना चाहिए, और इस बात का मैं पुरजोर तरीके से करता हूं, जिससे फ्यूचर में आप इसको रिन्यूअल करने के बहाने, इस लीज को रिन्यूअल करने के बहाने आप आम आदमी से और उसका खून मत चूसिए। जितना आपने चूस लिया वो बहुत है, अब इससे ज्यादा आपको उनका खून चूसने की जरूरत नहीं है। एक पहला क्वेश्चन जो आपका था वो मैं क्लियर कर दूं। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, सिडको का काम क्या नवी मुंबई एयरपोर्ट बनाना है? क्या सिडको का काम? आप उसमें 18,000-16,000 करोड़ खर्च कर रहे हो, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है। अगर आपको बनाना है, हम जमीन दे सकते हैं, हम उसका कॉन्ट्रैक्ट भी क्यों खर्च करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप मेरे को बताओ, सिडको बहुत ज्यादा क्या कर सकती थी? जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे देती, बोलती कि आप यहाँ एयरपोर्ट आप डेवलप करो, लेकिन आप जमीन के साथ साथ एयरपोर्ट बनाने का खर्च भी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दूसरा, सिडको को क्या जरूरत पड़ी है मेट्रो डेवलप करने की? क्यों डेवलप करने? राज्य सरकार को बोल देती, हम साहब जमीन अवेलेबल करा देते हैं, आप मेट्रो डेवलप करो। तो कुछ ऐसे कार्य जो कि सिडको के लिए जरूरी नहीं थे। सिडको की स्थापना किस लिए हुई? सिडको की स्थापना 1970 में इस बात को लेकर के हुई कि चूंकि मुंबई में लोगों की जनसंख्या का भार अब विस्फोटक स्थिति में जा रहा है, ऐसी स्थिति में जो मुंबई में जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं या जो लोग चौल में रहते हैं, उनको भी एक पक्के का घर मिल सके और अच्छे जगह पर वो जाके रह सके, इस कारण से सिडको की स्थापना की गई, नवी मुंबई शहर बसाने के लिए, कि जिससे जो मुंबई में घर खरीदने लायक लोग नहीं है वो नवी मुंबई में जाके घर खरीद सके। तो उस आपके आपका पूरा जो बेस है वो इस बात पर है कि मुंबई के भार को न्यू बॉम्बे में लाना है, उसको समेटना है। लेकिन आपने उससे बिल्कुल अलग हट कर करके, आप तो एक मतलब जिसको बोलते हैं कि आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको इस परिधि में रहना है, और आपने अंतरिक्ष को भी छूने का प्रयास शुरू कर दिया अननेसेसरी। क्यों? वो आपके किसी काम का नहीं था। आपका बेस है कि आपको लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग देनी है। आपका सबसे पहला सोच लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग देने के प्रति होना चाहिए था, लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत अफोर्डेबल एजुकेशन देने का होना चाहिए था, अफोर्डेबल हेल्थ देने का होना चाहिए था, अफोर्डेबल स्पोर्ट्स देने का होना चाहिए था, अफोर्डेबल अदर सोशल सर्विसेज देने का होना चाहिए था। आपने उस पर ध्यान हटा कर करके और आप चले गए किसमें? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में, आप चले गए मेट्रो बनाने में, बिजनेस बना लिया। हाँ, मतलब आपने गोल्फ कोर्स बनाने में, आप मेरा कहना यह है कि आपने जमीनें बहुत दी सोशल सर्विसेज के नाम पर, आपने जमीनों का वो भूखंड का श्रीखंड लुटाया है कि पूछो मत, इतना भूखंड का श्रीखंड। सब किस बात पे? कि नहीं, इससे सभी सर्वसामान्य जनता जो नई मुंबई में रहती है उसको सस्ते दर पर शिक्षा मिलेगी, सस्ते दर पर स्वास्थ्य मिलेगा, सस्ते दर पर खेल सुविधा मिलेगी। लेकिन आज आप सारे कॉरपोरेट बन गए,
जितने शिक्षण संस्थान थे वो कॉरपोरेट बन गए, जितने हॉस्पिटल थे वो कॉरपोरेट बन गए, जितने जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थे आज आप देख लो सभी अमीरों का वो अयासी का अड्डा बन गया जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो ये सब चीजें जो हैं ये निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि सिडको ने भरपूर बेईमानी की है, वो प्रकल्पग्रस्तों के गरीब प्रकल्पग्रस्तों के साथ साथ जो सामान्य नवी मुंबईकर हैं उनके साथ भरपूर बेईमानी किया है सिडको ने, भरपूर बेईमानी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका टोटल कैपिटल था 3,95,00,000 रुपए। आज सिडको के पास जमीन बेचकर, जब प्रकल्पग्रस्तों से जमीन खरीदी गई तो 2 से 3 रुपए स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई, और आज जब बेची जा रही है तो 3,25,000 रुपए वर्ग मीटर की जमीन बेची जा रही है। मतलब अज्ञान और साधारण किसानों से जमीन हड़पने का ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, और उन्हीं की जमीन पर अपना कब्जा जमाने का, जब हक मांग रहे हैं तो उनको गोलियों से भूनने का, ये 51 साल का इतिहास जो इसका सिडको का रहा है। एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आई और गांव की जमीनों को, 95 गांव की जमीनों को हड़प कर इन्हीं जमीनों पर कारोबार करने लगी, और आज भी उनका हक जो है वंचित है। क्या ये बिजनेस करने के लिए कंपनी को तैयार किया गया था, राज्य सरकार ने तैयार किया था? अगर ऐसा है तो क्या राज्य सरकार उतनी ही जिम्मेदार नहीं है? देखिए मैं तो आपको एक बात बताऊं, ये जो सिडको है आप इतना मान के चलो कि सिडको को फ्री हैंड करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है, जो वो आप देख रहे हो कि फ्री हैंड अभी चला रही है, अभी आपको 4 साल से आप देख रहे होंगे सिडको के चेयरमैन पद पर कोई नहीं है, सिडको में कोई डायरेक्टर नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। दूसरी, इसके पहले जो डायरेक्टर रहे या चेयरमैन रहे उन सबों को आप देख लो, दो दो चार चार बड़े बड़े प्लॉट उन लोगों ने सिडको से लेके बैठ गए हैं। मतलब सिडको का कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे प्रकल्पग्रस्त नेताओं ने लिया, सिडको की जमीन भी हमारे प्रकल्पग्रस्त नेताओं ने ली, सिडको का सारा मलाई भी हमारे प्रकल्पग्रस्त नेताओं ने खाया, प्रकल्पग्रस्तों की परवाह किए बिना और आम नवी मुंबई कर की परवाह किए बिना। अब आप मेरे को बताओ, जब आप एक ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव आप करते हैं जो जनप्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर के एक कॉरपोरेट सोच को बढ़ावा देता है, आप अगर आप देखने जाओ तो मैंने आपको इसके पहले भी कहा था कि आज एसीजेट के नाम पर जो नवी मुंबई की इतनी बड़ी जमीनों को दो प्रमुख उद्योग घराने को दे दिया गया, ये सब क्या है, क्यों देने का भाई? अभी आप देखो टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया में कम जमीनें हैं, तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया में कम जमीनें हैं, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ जमीनें अभी खाली पड़ी हुई हैं जिस पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। स्वयं MIDC लिख करके हमको दी है कि 125 हेक्टेयर जमीन पर उसके इंक्रोचमेंट है। अभी मेरे को बताओ कि ऐसी स्थिति में क्या जरूरत है एसीजेड को यहाँ देने की? आप MIDC की जो खाली पड़ी जमीनें हैं उसमें जो एसीजेड बसाना था बनाते, आप ये स्पेशल एक प्लान आप करते हैं और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जमीन सिडको क्या कर रही है कि जमीन को चूंकि डेवलप कर चुकी है तो मनमानी कीमत पर बेच रही है। कोई पाबंदी इस पर नहीं है कि भैया आप, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, वो मानना ही बंद कर दिया है कि उसको गरीबों के लिए कुछ करना है, उसने बिल्कुल प्लान बंद कर दिया। आज आप देखो उसके द्वारा जो LIG के मकान बनाए जा रहे हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप बोलते हैं या बिलो लोअर इनकम ग्रुप बोलते हैं, मतलब जिसको पॉवर्टी लाइन वाले लोग बोलते हैं, उनके लिए वो 15 लाख से लेके 40 लाख तक का मकान बना रही है। आप मेरे को बताओ बिलो पॉवर्टी लाइन का आदमी 15 लाख का मकान कहाँ से लेगा? अरे भाई उसको तो 1-2 लाख का मकान खरीदने में भी मुश्किल होगी। यही जब सिडको थी पहले वो क्या करती थी, 30-30 हजार रुपए में छोटे छोटे चौल बना के दिया करती थी, जो नेरुल में, वासी में, सब जगह आपको दिखाई देता है। लोगों ने उसमें भी हुडको का लोन हुआ करता था, लोग उसको धीमे धीमे चुकाते थे। ऐसा कोई प्रोविजन आप अभी देखते हैं? नहीं देखते हैं। सोसाइटी प्लॉट का एक प्रोविजन आया, वो भी कौन लेके चला गया? बाधवा लेके चला गया, तो MGM के डॉक्टर लेके चले गए, तो कोई और लेके चला गया। गरीबों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए और सारे प्रभावशाली प्रभुत्व वाले लोगों का प्रभाव बढ़ गया, चूंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का एक सेंटर हो गया नवी मुंबई। अब प्रॉपर्टी का सेंटर हो जाने के चलते यहाँ जितने भी MD आए, अगर आप देखने जाओ तो इसमें से ज्यादातर MD शायद एकाध लोगों को आप ईमानदार के रूप में जानते होंगे, नहीं तो 90% MD जो हैं वो बेईमान नंबर वन अपने पद को घोषित करके गए हैं, ऐसा उनका चाल चलन और रवैया रहा है। और उनको आपका, अगर आपने मकान लिया होगा आपका एक इंस्टॉलमेंट बाकी रह जाएगा तो उस पर DPC लगा देंगे, और बड़े बड़े बिल्डरों के 200-200 करोड़ रुपए इन्होंने माफ किए हैं, 150-150 करोड़ रुपए माफ किए हैं,
और हमारा आपका 1500 रुपए का ड्यूज या मतलब 50,000 का ड्यूज पर भी डीपीसी वसूला है। तो ये जो चीजें हैं ये बताता है कि सिडको जो है वो जिस मकसद से सरकार ने इसका निर्माण किया था उस मकसद में पूरी तरह फेलियर रही। और इसके पीछे रीजन ये है कि सरकार यूडी डिपार्टमेंट जो नगर विकास खाता है उसने भी सिडको को ये करने के लिए फ्री हैंड दे रखा है। मतलब नगर विकास खाते को भी आम लोगों से प्यार नहीं है, नहीं है। नगर विकास खाता भी प्रभावशाली लोगों के लिए काम कर रहा है, इसलिए उसने सिडको को फ्री हैंड दे रखा है, ये मेरा मानना है। बहुत साल पहले जब आजादी नहीं मिली थी तब अंग्रेजों चले जाओ का नारा दिया गया था, पूरे हिंदुस्तानियों ने उसके लिए अपनी कुर्बानियां दी और उसके बाद अंग्रेज चले गए। अब कुछ दिनों से सिडको चले जाओ का नारा गूंजने लगा है। विधानसभा में आपने सुना होगा गणेश नाइक ने कहा कि अभी सिडको को, और ये 2-4 साल पहले से हर चुनाव के नजदीक में तकरीबन इस तरह की बात होती है और इसी तरह के नारे गूंजते हैं। और फिर एक नारा अभी प्रकल्पग्रस्तों ने भी दिया है कि सिडको हटाओ और भूमिपुत्रों को बचाओ और सिडको चले जाओ। गणेश नाइक ने अभी 2 दिन पहले भी बोला कि भाई सिडको को यहाँ से जाने का वक्त आ गया। आप क्या मानते हैं, अभी सिडको की जरूरत है मुंबई में? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि क्या है, सिडको चले जाओ तो किसको ले आओ, सवाल ये उठता है ना, सिडको चले गया तो किसको ले आओ? आज आप पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिए हैं, आपने नवी मुंबई महानगर पालिका बना दिया है, क्या फायदा कर दिया इन्होंने? नवी मुंबई महानगर पालिका ने क्या फायदा कर दिया नई मुंबई के साथ? पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या फायदा कर रही है? किसी के चले जाने से और किसी के आ जाने से समस्या का समाधान नहीं होता। नहीं। मेरा कहना है कि सिडको में जो बदनियती है, सिडको में जो भ्रष्टाचार है, सिडको में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इन सबों को जाने की जरूरत है। और उसकी जगह पर एक ईमानदार प्रशासक, एक ईमानदार सोच वाला व्यक्ति, एक विकासशील सोच वाला व्यक्ति जिसमें मानवता निहित हो, वैसे व्यक्ति का आना सिडको में ऑफिसर के रूप में बहुत जरूरी है। हम तो कहते हैं राज्य सरकार से, अगर आप मुझे कहेंगे कि निवेदन करना चाहोगे तो क्या करना चाहोगे, तो मैं कहूंगा कि जो 4-5 लोगों का लिस्ट राज्य सरकार में काफी ईमानदार अधिकारियों के रूप में आता है, आप उनमें से किसी एक अधिकारी को आप सिडको का MD बनाइए, तब जाकर करके यहाँ जैसे वीरादा थी, वीरादा को आपको पता होगा, मतलब उनको छोड़ दिया गया तो उसके बाद से क्या स्थिति हुआ आपको पता है, और नहीं तो जब तक वो थी 22.5% का एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से बंटवारा होता। वैसे ही तुकाराम मुंडे हैं, वो आपको करंदीकर करके थी, क्या नाम था उनको, जिनको डिमोलिशन मैन कहा जाता था, वो तो नहीं, ये जो अपने सिडको में भी आए थे कुछ दिनों के लिए, तो ऐसे लोगों को जिनको कि सारे लोग ये जानते हैं कि निश्चित तौर पे बाकी अधिकारियों की अपेक्षा वो ईमानदार है, आप ऐसे लोगों के हाथ में सिडको का चाबी दीजिए, सिडको का MD बनाइए। सिडको का रहना कोई बुरा नहीं है, सिडको ने गलत प्लानिंग नहीं की थी, सिडको का अगर आप DP देखेंगे तो बहुत अच्छा DP था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो प्रभावशाली लोग इनके क्लच में आ गए तो और नेताओं ने इनका सर पे हाथ रख दिया सिडको MD के, तो क्या करने लगे, अब ये DP प्लान में भी चेंज करने लगे, ये आरक्षित प्लॉट का भी आरक्षण बदलने लगे, जहां खेल का मैदान था, जहां गार्डन थे, जहां मान लीजिए कोई और सोशल सर्विस प्लॉट थे, यूटिलिटी प्लॉट थे, सोशल यूटिलिटी प्लॉट के आरक्षण के साथ भी ये समझौता करने लगे। बाकी चेंज ऑफ यूज तो छोड़ दो, ये सोशल यूटिलिटी प्लॉट के साथ भी खिलवाड़ करने लगे और उसको भी बेचने का काम करने लगे, ये बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है कि सारे प्रकल्पग्रस्त नेता जो आज अपने आप को प्रकल्पग्रस्त नेता कहते हैं, इसमें बराबर के भागीदार हैं, सिडको की बेईमानी में उनका भरपूर साथ रहा है और उसके हिस्सेदार रहे। अभी जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन इसलिए चल रहा है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, आप इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं और क्या इसे और भी सघन करने की जरूरत है? क्या इस आंदोलन के जरिए न्याय की उम्मीद आपको दिख रही है कि अगर प्रकल्पग्रस्तों के साथ जो लीज पे रहने वाले लोग हैं वो जाग जाए, जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ अगर वो जाग जाए, तो क्या ये सामूहिक जो संघर्ष है ये क्या इससे न्याय मिलने की उम्मीद आपको दिख रही है? नहीं, मैं इसमें कोई दोहरा नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार हूं कि सामान्य प्रकल्पग्रस्तों के साथ अन्याय हुआ है। मैं इस बात को कहीं भी किसी भी मंच पर स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि आज भी मैं बहुत सारे गांव में जाता हूं, आज भी गांव के 80-70% लोग वही चालनुमा घर में रहते हैं और उसी जगह पे उनका पालन पोषण, घर का खर्चा वगैरह मैं देखता हूँ, मच्छी मारी से चलता है या मच्छी बेच के चलता है या सूखा मच्छी बेच के चलता है, अभी भी उनका जीवन वैसे ही चलता है। लेकिन वैसी गांव के 10 लोगों को मैं ऐसा देखता हूँ जो शायद इस शहर के बहुत बड़े बड़े अमीरों पर भी भारी हैं, उसी गांव में मैं 10 ऐसे लोगों को भी देखता हूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित तौर पे सामान्य प्रकल्पग्रस्तों के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय होना चाहिए और जो जो
प्रकल्पग्रस्त भूमिहीन थे, वो जो सिडको का कायदा था कि 40 मीटर से लेकर 100 मीटर तक का भूखंड उनको दिया जाएगा मकान बनाने के लिए, उनको दिया जाना चाहिए। दूसरा कायदा था कि इनके लिए रोजगार, चूंकि भूमिहीन के पास तो ना भूमि थी ना कुछ थी, उनको 12.5% भी नहीं मिलने वाला, तो उनका रोजगार कहाँ से आएगा। तो सिडको का जो एक मुख्य काम था कि शहर बसाने के साथ साथ रोजगार निर्मिति, तो रोजगार निर्मिति के लिए निश्चित तौर पर सिडको को सारे, भले MIDC हो लेकिन MIDC के लोगों को भी और सिडको के जितने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स थे, जितने भी सिडको ने इंडस्ट्रियल प्लॉट बनाया, उन सबों पर सिडको ये कंपलसरी करे कि यहाँ पर जो नॉन स्किल स्टाफ है, कम से कम नॉन स्किल स्टाफ, उसमें से 80% प्रकल्पग्रस्तों को नौकरी मिले, उससे नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। कम से कम 80% प्रकल्पग्रस्तों को नॉन स्किल वर्क में जरूर काम मिलना चाहिए, और स्किल वर्क में भी जो प्रकल्पग्रस्त हैं और वो उसी स्किल के हैं तो उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए बाकियों की अपेक्षा। ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है प्रकल्पग्रस्तों के साथ अगर सही न्याय करना है तो। आप कह रहे हैं कि MIDC में नौकरी मिलनी चाहिए, जो दूसरे जो भी कारोबारी संस्थान उसमें स्थानीय लोगों को 80% नौकरी मिलनी चाहिए, और स्किल जो लोग हैं, ऑलरेडी राज्य सरकार का नियम है 85% स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। SEZ का निर्माण इसीलिए हुआ कि यहाँ पर मैक्सिमम नौकरियाँ मिलेंगी। सिडको का अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस वक्त कहा गया था कि मुंबई की आबादी को 21 लाख तक ऑब्जर्व करने के लिए इस सिटी में कैपेसिटी होनी चाहिए, और 7,50,000 नौकरियों की बात तब की गई थी। आज भी 7.5 लाख लोगों को नौकरियाँ सिडको नहीं दे पाई है। SEZ वही कहानी हुई, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि SEZ में क्या हुआ, आखिर क्या वजह है, कौन इस तरह की चीजों को, जबकि सारे प्रोविजन होने के बावजूद भी आखिर ये जो प्रावधान है सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, वजह क्या है? क्या इसकी गलती प्रकल्पग्रस्तों की है कि वो अपने लिए न्याय की नहीं मांग कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, नेताओं की गलती है कि ये वही अंग्रेजों की कंपनी है, सिर्फ दिखाने के लिए प्रोविजन बनाए गए हैं लेकिन इनका मकसद कुछ और है? नहीं, देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, जो सिडको है महानगर पालिका है, मान लो नई मुंबई महानगर पालिका, पनवेल महानगर पालिका, अब तो यहाँ पर भी लोगों ने परमानेंट नौकरी पर चौकड़ी मार दिया। वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग शुरू किए हैं, मतलब जहाँ प्रकल्पग्रस्तों के लिए भी बहुत बड़ा स्थान नहीं रह गया, वो अगर उनको उनके नौकरी का कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं रह गई है, वैसी नौकरी उनको शायद मिल रही होगी। और दूसरी बात की रह गई जितनी कंपनियां, तो आपको मालूम है ये सारी कंपनियों को बेच दिया गया, IT सेक्टर बना दिया गया, ज्यादा FSI की लालच में सारे जमीन जो कंपनियों के थे उन्होंने IT सेक्टर को बेच दिया, या IT सेक्टर वाले वहां घुस गए। अब वहां पर तो प्रकल्पग्रस्तों को नौकरी नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनको IT का उतना नॉलेज नहीं है, तो वहां पर सब बाहरी लोग नौकरी ले जाने में सफल हो रहे हैं। दूसरी चीज कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो जान बूझ करके वैकेंसी शो नहीं करती हैं और बाहर से लोगों को ले आती हैं क्योंकि वहां प्रकल्पग्रस्तों का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि प्रकल्पग्रस्त का नेतृत्व गलत हाथों में। अच्छा। अगर प्रकल्पग्रस्त का नेतृत्व सही हाथ में रहता था, जो प्रकल्पग्रस्तों की भलाई सोचता था अपने से ज्यादा, तो मुझे दीवा पाटिल साहब थे, दीवा पाटिल बस आप इतना ही समझ लो, उसी तरीके से यूज किया गया जैसे केजरीवाल ने अन्ना हजारे का उपयोग किया। अन्ना हजारे के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल को अन्ना हजारे की याद नहीं आई, और रामसेठ ठाकुर बनने के बाद, गणेश नाइक बनने के बाद, मंदा मात्रे बनने के बाद, विवेक पाटिल बनने के बाद, इनको दीवा पाटिल साहब की याद नहीं आई, उनके कर्मों की याद नहीं आई। इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि जो नेतृत्व है वो बिल्कुल गलत हाथों में है, और प्रकल्पग्रस्तों को इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि क्या हमने जिसको नेतृत्व दे रखा है वो हमारे बारे में सोच रहा है कि नहीं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, जब सिडको की जमीनों का अधिग्रहण शुरू हुआ था तो उस वक्त जासई में बहुत बड़ा ये शहादत हुई थी, 8-10 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, और वो इसलिए कि वो अपने जमीनों के बदले में अपना हक मांग रहे थे, और वो कह रहे थे उस दौरान जब जमीनों का अधिग्रहण शुरू हुआ था कि हमारे बाप दादों की जमीन हम किसी भी हाल में हमेशा के लिए आपको नहीं दे सकते। ये वही कहानी थी जिस वक्त जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जासई और जलियांवाला बाग में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता कि अगर हक के लिए अगर कोई अपनी आवाज उठा रहा है तो उसको गोलियों से भून दिया गया। आज तक सिडको ने उन शहीदों के बदले में कोई न्याय नहीं किया, आपको लगता है कि वो शहादत बेकार जा रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है उनकी शहादत, तो मैं बोलता हूँ अगर प्रकल्पग्रस्त के लोग सोचेंगे तो उनको ये मानना पड़ेगा कि उनकी शहादत का ही ये देन है कि आज वो 12.5% और 22.5% के मालिक बने हैं, वो उनकी शहादत की देन है। और मैं ये समझता हूँ उनकी शहादत को तो नमन करने लायक है कि उनकी शहादत ने आज इनके परिवारों को ठीक करने का काम किया। अब ये अलग बात है कि उसके बाद जो नेता आए
जिनके हाथ में, जैसे मान लो हमारे शहीदों ने स्वतंत्रता दिलाई लेकिन हम गलत नेता का चुनाव कर दिए और वो हमारे देश के साथ गद्दारी करें, तो वैसे अगर हम सारे हमको अपना नेतृत्व चुनने में अगर गलती हो गया है और वो मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, तो इसमें उस शहादत का कोई दोष नहीं है। शहादत तो बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई और बहुत ही उस कामयाब रही, लेकिन बस इतना ही अंतर है कि उसके बाद जो लोग आए वो उस शहादत का महत्व नहीं समझ पाए, उसकी भावना नहीं समझ पाए और कैसे सामान्य प्रकल्पग्रस्तों के साथ न्याय हो, या जो नवी मुंबई में आके बसने वाले हैं इन प्रकल्पग्रस्तों के छत्रछाया में उनका कैसे अच्छा हो, ये भावना ये किसी भी प्रकल्पग्रस्त नेता के अंदर न दिखाने के चलते, और अपना कैसे बड़ा हो, अपना आज आपको मैं बता रहा हूं, आप जिस नेता का नाम मैं लेता हूं आप उस नेता के पास चले जाओ, किसी के पास आज 15 एकड़ 16 एकड़ उन्होंने समाज सेवा के नाम पर ऐसा नहीं है कि जो सिडको से नहीं ले रखा। हाँ। तो आप मेरे को बताओ कि जब अपना फायदा आप देख रहे हो और सामान्य प्रकल्पग्रस्तों को आप दरकिनार कर रहे हो, तो होना ही यही है। और अब प्रकल्पग्रस्तों को धीमे धीमे समझ में आने लगा है और शायद यही कारण है कि अब प्रकल्पग्रस्त नेताओं के रूप में कुछ नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। अब देखते हैं उन चेहरों में भी वो ईमानदारी रहती है या नहीं, या वो भी इन्हीं नेताओं की तरह सामान्य प्रकल्पग्रस्तों के साथ गद्दारी कर जाएंगे। आपने एसईजेट का मुद्दा उठाया था और वो जमीनें किसानों की जमीनें हैं, उरन के किसानों की वो कीमती जमीनें जहां पर कभी मछलियां पकड़ते थे या जिनसे उनका रोजी रोटी चलता था, वो सारी जमीनें आज देश के बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के पास चली गई। मकसद था कि वहां पर उद्योग लगेंगे, कारोबार स्थापित होंगे, तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, उनका भी जीवन स्तर उठेगा। लेकिन जो राज्य सरकार इनके उत्थान का दावा करती है, प्रोविजनल बात करती है, कानून का सहारा लेती है कि भाई हमने ही आपके लिए इतने सारे इंतजाम किए हैं, उसी सरकार ने इन्हीं कारपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रकल्पग्रस्तों की कुर्बानी दे दी है। क्या राज्य सरकार को क्या करना चाहिए अभी इस वक्त? राज्य सरकार की जो ये अन्याय चल रहा है प्रकल्पग्रस्तों के साथ, आखिर ये अन्याय को कैसे रोकने का क्या तरीका हो सकता है कि ताकि उन्हें भी जो उनकी जमीनें गई उसके बदले में उन्हें रोजगार मिले, उनका उत्थान हो सके? देखिए अभी आपको मैं बताऊं, आपने एसईजेट का नाम लिया, मैं एक बात बोलता हूं, एसईजेट का जब एग्रीमेंट हो रहा था, करारनामा हो रहा था, उस वक्त नीलेश तांडेल और श्याम मात्रे सिडको में एक अच्छे यूनियन लीडर के रूप में थे और ये दोनों प्रकल्पग्रस्त हैं। क्या इन लोगों ने उस वक्त उस एग्रीमेंट में यह बात मेंशन कराई कि 80% इसमें जो नौकरियां आएंगी नॉन स्किल्ड वो प्रकल्पग्रस्तों की आएंगी और जो स्किल्ड नौकरियां होंगी उसमें भी प्रकल्पग्रस्तों को प्राधान्य दिया जाएगा, ये उसमें मेंशन कराया उन्होंने? अगर नहीं कराया तो नियत में किसकी खोट है? नियत में किसकी खोट है? आप सिडको एम्प्लॉयज यूनियन के प्रेसिडेंट थे, नीलेश तांडेल की मैं बात कर रहा हूं, क्यों खामोश रहे? क्यों श्याम मात्रे खामोश रहे? क्यों नहीं ये बात उसमें शामिल किया गया? और मैं तो बोलता हूं कि आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आपकी नियत साफ होगी तो उसको रिटर्न में लाएंगे, जो आज किसान कहते हैं। किसान क्यों बोल रहे हैं कि एमएसपी को आप लिखित में दो, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वर्बली आप कुछ भी कह लो, लिखित में नहीं है तो उसको लड़ने का कानूनी अधिकार नहीं रहता। इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रकल्पग्रस्तों के साथ अगर आपको न्याय करना है तो ये कायदा आज बनता है तो आज बनाओ, और ये कायदा बनाओ कि नवी मुंबई में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं अब जो भी अनस्किल्ड वर्कर की बहाली करेंगी उसमें 80% जो है वो स्थानीय मतलब प्रकल्पग्रस्त होंगे, और नवी मुंबई में जो 25-30 साल से रह रहे हैं वो होंगे, और जो स्किल्ड वर्किंग होगी उसमें भी चयन में पहले इनको प्राधान्यता दी जाएगी, अगर इनसे सीट नहीं भरेगा तो बाहर के लोगों को आप वहां पर जॉब देंगे। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा कायदा आज बनता है तो आज बनाओ, और प्रकल्पग्रस्त नेता जो अगर लगता है कि उनको अभी भी बदलेंगे या प्रकल्पग्रस्तों को सामान्य प्रकल्पग्रस्तों की आवाज उठाना चाहते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप इस बात को जितना जल्दी हो सके उसको लागू कराइए, और एसईजेट जो है उसको बिल्कुल भी केवल रोजगार का माध्यम बनने दीजिए, रियल एस्टेट का मार्केट मत बनने दीजिए। अगर एसईजेड है तो वहां केवल रोजगार पैदा करने वाली कंपनियों को ही आने दीजिए, वरना सख्ती से किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का वहां पर विरोध कीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको अवेलेबल करा के देता हूं, आप इस लड़ाई को लड़िए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। सिडको के बारे में क्या सुझाव आप देना चाहेंगे, कैसे सुधरे सिडको? हद दर्जे तक वहाँ भ्रष्टाचार की बात चल रही है, तमाम शिकायतें हैं, जो एमडी आ रहे हैं उनका पब्लिक से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, डायरेक्ट कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारियों और दलालों और नेताओं के माध्यम से वहाँ पर जाना है, तो ये कितना व्यवस्था के लिए खतरनाक है कि आने वाले समय में अगर यही रहा, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो फिर गुंजाइश वही रहेगी कि 9 दिन चले 2.5 कोस। देखो आप तो पत्रकार हैं,
आप मेरे को बताओ, पिछले एक साल डेढ़ साल में, जैसे जब से संजय मुखर्जी मान लो बने हैं, या गगरानी थे, या उसके पहले और भी लोग थे, आप कितनी बार ऐसा हुआ है जब आप साल में 5 बार चाहे हो और आपसे मुलाकात हो गई हो, जब आपको पत्रकार होकर के मुलाकात नहीं हो रही है तो सामान्य लोगों का, लेकिन आप 3 बजे से जाओ, 11 बजे से जाओ, बिल्डर नेता इनकी लॉबी आसानी के साथ केबिन में जाती है, मिलती है, बाहर निकलती है, मिलती है। कोई भी प्रकल्पग्रस्त नेता ऐसा नहीं है जो एमडी से मिलके बाहर नहीं आता, तुरंत में इनके आता है। लेकिन सामान्य प्रकल्पग्रस्त उसी काउंटर और खिड़की के आगे मंडराता रहता है, और जहां पर आज 12.5% जमीन या 22.5% जमीन का वितरण हो रहा है, वहां आप जाके देखो, अभी सीबीओ का पहरा लग गया है, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर का पहरा लग गया है, वो किसी को भी इंटर नहीं करने देते अंदर। मैं मानता हूं कि वहां पर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हुआ, उसको रोकने के लिए आपको कुछ कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन इसी बहाने कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सामान्य प्रकल्प ग्रस्तों को बाहर रखाएगा, दरवाजा दिखा रहे हैं, ये भी हो सकता है। हमारा का नाम है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो बेईमानी नहीं हो पाएगी। आई आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसलिए बेईमानी हो रही है, आप भी राधा की तरह ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो रहे, ये मेरा का नाम है। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि सिडको को सुधारना है तो सबसे पहले यूडी डिपार्टमेंट को इस पर नियंत्रण रखना होगा, और सामान्य से सामान्य एप्लीकेशन भी यूडी डिपार्टमेंट में अगर जाता है तो उसको गंभीरता से सिडको प्रशासन से उसका जवाब यूडी डिपार्टमेंट को मांगना चाहिए कि क्यों मेरे पास ऐसा शिकायत आया, इसका एक्सप्लेनेशन कॉल करना चाहिए, सो कॉज नोटिस जारी करनी चाहिए। ये सब जब तक नहीं होगा तब तक सिडको प्रशासन नहीं सुधरेगा। मेरा ऐसा मानना है कि ईमानदार व्यक्ति के साथ साथ यूडी डिपार्टमेंट का भी एकदम गंभीर निगाह सिडको पर होना चाहिए, और यूडी के भी नियत में यह बात साफ दिखनी चाहिए कि वह कॉमन मैन के साथ है, वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ नहीं। नहीं, मैं वही आपसे पूछने जा रहा था कि वो कहानी वही है कि चमड़े की टोकरी और कुत्ते की रखवाली। तो अगर सिडको में भ्रष्टाचार हो रहा है तो कहीं ना कहीं यूडी के ऊपर उंगली उठ रही है। अगर उंगली उठ रही है तो कुछ तो बात होगी कि यूडी ईमानदार नहीं है, वहाँ के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, ईमानदार नहीं है, नहीं तो ये तमाम शिकायतें जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिडको में इसके कामकाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पहरा लगाया गया, अलग से एक डिपार्टमेंट की बात चली कि यहाँ विजिलेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो लेन देन जमीनों का हो रहा है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो अलॉटमेंट हो रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। एज एक्सपर्ट आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि बेईमानी वहीं से शुरू हो रही है जहां जमीनों का अलॉटमेंट हो रहा है, किसानों के और प्रकल्पग्रस्तों की जमीनें जबरदस्ती छीनी जा रही हैं, और भ्रष्टाचार करके बेहद आसानी से बिल्डरों और कॉरपोरेट कंपनियों की गोद में डाल दिया जा रहा है। तो ऐसे में सिडको का ये जो बड़ा बना बनाया जो खेल है, ये जो पूरा रैकेट है, रिंग है, इसको जो विजिलेंस विभाग है वो किस लिए है? अगर ये भी नहीं सुधार हो पा रहा है तो ये विजिलेंस विभाग है किस लिए? देखिए, विजिलेंस विभाग में मेरा तो, मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूँ कि अगर आप एंटी करप्शन विभाग में या विजिलेंस विभाग में आप उसी पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति करते हैं जो सिविल पुलिस में काम कर चुका है, तो मैं समझता हूँ आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार को रोकने का काम नहीं कर रहे। अभी तक जितनी भी बहालियां हुई हैं विजिलेंस ऑफिसर्स के रूप में, चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स के रूप में सिडको में, वो सब सिविल पुलिस के लोग आए, पुलिस के अधिकारी, और जब पुलिस के अधिकारी आए हैं तो जो डीसीपी रहते भर में बेईमान थे, जो इंस्पेक्टर रहते भर में बेईमान थे, उनसे आप सीवीओ में आ जाने के बाद ईमानदारी क्यों? विजिलेंस ऑफिसर बनने पर ईमानदारी, तो आप मेरे को बताइए, मैं एक बात क्लियर करता हूं कि अगर आप विजिलेंस में ईमानदारी चाहते हैं तो विजिलेंस में जितने कंप्लेन आए हैं उस पर आपने जो कार्रवाई की है, भले कंप्लेन को लेकर के मत आप करो, लेकिन जो आपने कार्रवाई की उसको तो ट्रांसपेरेंट रूप से आप वेबसाइट पे डालो कि हमारे पास इसी संदर्भ में कंप्लेनेंट का नाम आप मत डालो, और अगर मेरा जो कंप्लेन है उसका तो नाम भी डालो तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन अगर मेरे सारा कोई और लोग नहीं चाहते कि उनका नाम ओपन हो तो आप मत डालो, लेकिन आप लिखो ऐसा ऐसा कंप्लेन आया था और इसमें विजिलेंस ने जांच की, उसमें ये पाया गया, और कंप्लेन नंबर 1 क्लोज किया गया, या कंप्लेन नंबर 1 पे सो कॉज नोटिस जारी की गई। आप ये तो लिखो कम से कम। आपको पता है सीबीओ के वेबसाइट पर जाने पर आपको कुछ मिलता है? कुछ 2018 के बाद कोई ऑडिट नहीं हुआ। मैं सीबीओ को जो मेल के थ्रू जितने कंप्लेन किया हूं उसमें से एक का रिटर्न जवाब मेरे पास नहीं आया कि हाँ आपका 2018 के बाद ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई कि पिछले साल कौन सी कार्रवाई हुई, कितनी शिकायत, यहां तक अगर डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है तो मैं यही आपको बता रहा हूं। देखो, जब पूरी व्यवस्था ही ना, पूरी व्यवस्था ही करप्ट लोगों को बचाने में लगी हो ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और अभी जो व्यवस्था चल रही है पूरे करप्ट लोगों को बचाने की व्यवस्था चल रही है, मैं तो बोलता हूं ना, लेकिन इसमें दोषी हम भी हैं। दोषी हम क्यों हैं?
क्योंकि हमने भी जब जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया तो हमने भी यह देख करके किया कि कौन कितनी बड़ी गाड़ी से उतर रहा है, किसके पीछे कितने ज्यादा लोग हैं। हमने कभी भी किसी ईमानदार चेहरे को नेतृत्व संभालने की ताकत नहीं दी। तो जब हम ईमानदार चेहरे को नेतृत्व संभालने की ताकत नहीं देंगे तो हमको तो बेईमानी का कष्ट भोगना ही पड़ेगा, और हमको लगता है कि वही हम लोग भोग रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता था इस लाइव सेशन के लिए, मैंने सिडको एमडी से 5 दिन पहले कॉन्टैक्ट किया था और मैं ये पब्लिकली मैं बोलना चाहता हूँ कि आखिरी दौर तक उन्होंने हमें कहा था कि ठीक है हम कोशिश करेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर कहा गया कि सिडको एमडी नहीं बोल सकते हैं। फिर मैंने इंसिस्ट किया कि अगर कोई वहाँ का एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल जो एमडी है वो बोल सकते हैं, ज्वाइंट एमडी बोल सकते हैं, कोई कंसर्न ऑफिसर अगर इस पे जवाब दे सकता है। चूंकि सिडको के खिलाफ आज काला दिवस आंदोलन चल रहा है और ऐसे दिन में सिडको अगर अपना पक्ष नहीं रख पाती है तो सीधे तौर पर उसको गुनाहगार माना जाएगा, लेकिन सिडको की तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अलबत्ता उन्होंने आज सुबह इतना बता दिया कि सिडको की तरफ से कोई भी अधिकारी लाइव सेशन में कोई हिस्सेदारी नहीं ले सकता। मैंने तमाम महानगर पालिका और दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी मैंने आग्रह किया था कि आप अपनी बात रखने के लिए, अगर आपने अच्छा काम किया है, अगर सिडको ने अच्छा काम किया तो वो पहलू भी रखना चाहिए। मैंने तमाम बिल्डरों से आग्रह किया, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं तमाम उन प्रतिनिधि करने वाले बिल्डरों को भी मैंने आग्रह किया था कि आप आइए, कम से कम सिडको की जो समस्याएँ हैं या सिडको की जो उपलब्धियाँ हैं कम से कम इतना तो कहिए कि हम 51 साल में इतना तो हम समझ पाएँ कि सिडको की भूमिका क्या है। लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारे प्रोजेक्ट रोक दिए जाएंगे, हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम अपने बिजनेस में कोई इंटरप्शन नहीं चाहते हैं। तो ये एक सच्चाई है कि आज जो सिडको से कारोबार कर रहे हैं वो सिडको के पक्ष और विपक्ष दोनों में बोलने को तैयार नहीं है। कई हमने इंटेलेक्चुअल लोगों को भी आज आमंत्रित किया, कई प्रोफेसर थे, कई प्रोफेशनल लोग थे, उन्होंने भी कहा कि फिलहाल हम सिडको के बारे में नहीं बोल सकते। हमारे तमाम पैनलिस्टों से इस तरह की खबर आई। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने निश्चित तौर पर आपने सिडको का पक्ष भी रखा और आपने जो प्रकल्पग्रस्तों का पक्ष है वो भी आपने रखा। मैं आपसे दो सवाल और आखिर में पूछना चाहता हूँ, प्रकल्पग्रस्त पीड़ित हैं, उनको निश्चित तौर पर आपने भी उनके लिए कहा कि उनको न्याय मिलना चाहिए। एक दौर ऐसा रहा है जो प्रकल्पग्रस्तों के जो बड़े नेता अपने आप को कहते थे दीबा पाटिल साहब के बाद के, उन्होंने उनके ऊपर तो गद्दारी के आरोप लग चुके हैं कि भाई उन्होंने न्याय नहीं किया, तभी आज फिर से आंदोलन की जरूरत आ पड़ी। अब नए नेता, आपने खुद कहा कि नए नेता भी अब कुछ लोग हैं जो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा गंभीर सवाल ये दिख रहा है कि ये मसला सिर्फ प्रकल्पग्रस्तों का ही हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये भाई इनकी जमीन गई है, यही शिकार है, यही पीड़ित है, तो यही आंदोलन करें, यही आवाज उठाएं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप स्टेट को भी बहुत, रियल स्टेट से भी आप जुड़े रहे हैं, जिनको लीज पर दिया गया है क्या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है? क्या अपने अन्याय के खिलाफ इनको क्या आवाज नहीं उठानी चाहिए? प्रकल्पग्रस्तों के साथ जो हुआ है वही चीज हमारे साथ भी हो रही है, हमें भी तो भाड़े का आदमी बना दिया गया जबकि हमसे बाकायदा पैसे लिए गए हैं। आप इन्हें कैसे कहना चाहेंगे, किस तरह से आप संबोधित करना चाहेंगे उन लोगों को जो प्रकल्पग्रस्त नहीं है लेकिन उनके साथ वही कुछ हो रहा है जैसा कि प्रकल्पग्रस्तों के साथ हुआ है? देखिए, मैं तो सिंपल सा बात ये कहूंगा कि जब तक आप अपने राइट्स को समझेंगे नहीं तब तक आपका राइट्स लूटा जाता रहेगा। अगर आपको ये मालूम नहीं रहेगा कि सामने वाली जमीन आपकी है तो उस पर आके कोई भी बस जाएगा, आप कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये चीज समझ लो कि हम लोगों ने जो अपने राइट्स के प्रति जो अपनी आंखें मूंदी है ना, ये उसका नतीजा है कि हर कोई हम लोगों को रौंद के जा रहा है। आपको मैं बताऊं, अभी जैसे लीज वाली बात हो गई, लीज क्यों भाई, मैं कौन सा ऐसा रकम है जो आपकी सोच के बाहर जाके नहीं दिया? जितनी सोच नहीं होनी चाहिए थी उससे ज्यादा जाके मैंने रकम दिया, फिर क्या कर लीजिए। दूसरी बात कि आपको जो सामाजिक सुविधाएं दी गई उसको भी आपको उस रेट पे नहीं दिया जा रहा है जिस रेट पे आपको मिलना चाहिए। अभी आपको मालूम है मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट है हॉस्पिटल के मामले में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ का जो रेट है, रेट है, फिक्स है कि CGHS जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलते हैं उसमें जो रेट है उस रेट के अनुसार आपको पे करना है, ये इसमें हॉस्पिटल्स को चार्ज लेनी है। कितने हॉस्पिटल में ये बात लागू हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि हाईकोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है, हमको इसके लिए संघर्ष करना चाहिए, और ना कोई नेता आपको बताते हैं। तो आप ये समझो कि सबसे पहले मेरा नवी मुंबई के सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि पहले आप अपनी राइट्स को समझो और फिर अपने निर्वाचन को समझो। आप निर्वाचित किसको कर रहे हो,
क्या वह आदमी सही मायने में आपके हक के लिए बोल रहा है या अपने कमीशन के लिए वो आपके यहाँ के गार्डन बना देता है, चार खेलनी लगा देता है, चार फुटपाथ बना देता है, तो आपको लगता है कि वही बहुत बड़ा नेता हो गया, वही आपका बहुत भला कर रहा है। आप ये समझ के रखो कि न तो फुटपाथ से आपका भला होगा, न तो खेलनी से भला होगा। आपका भला शिक्षा से होगा, आपका भला रोजगार से होगा, आपका भला स्वास्थ्य की सुविधाओं से होगा। ये तीनों चीज़ों पर जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करोगे और इसको लेकर के जो नेता सक्रिय है उसको आप समर्थन नहीं करोगे, तब तक आप यह मान के चलना कि आपको मकान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके लिए जो सक्रिय नहीं है वो आपके लिए सक्रिय नहीं है, वो अपने कमीशन के लिए सक्रिय है। इसलिए पहले इसके लिए इनको सक्रिय बनाओ जो आपकी मूलभूत जरूरत है। मूलभूत जरूरत के प्रति अगर कोई गंभीर है तो उसका निर्वाचन करो। मैं ये आपसे खाली निवेदन करूंगा, नवी में के सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप एक बार ऐसे किसी व्यक्ति के पीछे खड़ा होकर के देखो, अगर सिडको जैसी संस्थाएं 4-6 महीने में न सुधर गई तो आप कहना, और जैसा कि कहा जाता है कि हम वो हमारे सेवक हैं, हम मालिक हैं, तो ये प्रूफ होकर के रहेगा कि हाँ आप मालिक हो और वो सेवक हैं और उनको सेवा करनी पड़ेगी। आखिरी सवाल आपसे मिश्रा जी, जो इस शहर की खूबसूरती थी वो थे स्टेशनों के पास के खाली भूखंड जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था थी। आप जानते हैं कि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, बड़े पैमाने पर पार्किंग एक विकराल समस्या के तौर पर उभर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना कर लीजिए या हाउसिंग स्कीम कर लीजिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की, आज उन जमीनों पर भी, उद्यानों पर भी चेंज ऑफ यूज करके और जो पार्किंग की जगह है उस पर भी अब हाउसिंग निर्माण किया जा रहा है, तो ये भी तो एक बड़ा अन्याय है शहर के लोगों के साथ कि सिडको अब सिर्फ पैसे कमाने के लिए या राज्य सरकार केंद्र सरकार की गलत योजनाओं के कारण ऐसी चीज़ें भी अब छिन जाएंगी जो आम लोगों के लिए या आम जीवन के लिए बेहद जरूरी है। देखिए मैं तो आपको बोलता हूँ ना कि आप एक चीज समझ लो, ये जो UDCR आया, ये UDCR आया ही इसलिए है कि आपके पास कोई उपाय ही ना बच जाए, आप किसी चीज के लिए लड़ ही ना पाओ। देखो आप समझो, एक छोटी सी कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि पहले किसी शहर का DP बनता है, डेवलपमेंट प्लान बनता है, और तब उस डेवलपमेंट प्लान के अनुसार काम हो उसके लिए DCR बनता है, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल बनता है कि जो डेवलपमेंट प्लान है उसका सही तरीके से पालन हो। आप समझो सिडको ने DP बनाया था जिस वक्त आया था उस वक्त, और उस हिसाब से DCR बना था, तो DP में पॉपुलेशन कितना होगा, कितने पॉपुलेशन पर कितना ओपन स्पेस चाहिए, कितने पॉपुलेशन पर एक समाज सेवा केंद्र होना चाहिए, कितने पॉपुलेशन पर एक प्रथम आरोग्य केंद्र होना चाहिए, कितने पॉपुलेशन पर एक इतनी बड़ी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड था। अब अचानक उसमें आप परिवर्तन कर रहे हैं, वो DP जो था उससे बिल्कुल अलग आप UDCR ला रहे हैं, तो अब आप सोचो कि फिर ये DP तो वस्ट हो गया ना, वस्ट हो गया, फिर ये DP बर्बाद हो गया। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं स्टेशन वगैरह की बात, आप सोचो अरे स्टेशन पर भी खुला जगह नहीं रखोगे, वहां भी कंक्रीट का जंगल खड़ा करोगे, ऐसी क्या भुखमरी पड़ी है सरकार के पास, ऐसा कौन सा पूंजी की जरूरत है सरकार को कि मतलब इतना सब कुछ बेचने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा कि अब छोटी मोटी जो खुली जगह है उसको भी बेच डालोगे, उसको भी लोगों के श्वास के लिए, उसको भी लोगों के टहलने के लिए नहीं छोड़ोगे, क्या ये स्थिति आ जाएगी इस देश की, इस राज्य की? तो मेरा ये मानना है कि ये सब अंधाधुंध कारोबार इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसके विरोध करने का ताकत जिनको हम लोगों ने दिया है वो इसके साथ खड़े हैं। अगर वो इसके विरोध में खड़े होते, मतलब हमारे जनप्रतिनिधियों की जो से जो अपेक्षा थी, जिस अपेक्षा को लेकर के हमने मतदान किया था, वो पूरी तरीके से उन लोगों ने भंग किया है और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए वो समाज के साथ, देश के साथ, राज्य के साथ, सबके साथ गद्दारी करते हुए वो अपनी जेबें भर रहे हैं। मिश्रा जी बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे लाइव सेशन में जुड़े, हमारे तमाम दर्शकों को आपने बहुत ही अहम जानकारी दी और अपने हक के लिए स्वयं लड़ने के लिए आपने उनको प्रेरित किया। जैसा कि आपने सुना कि जो नेतृत्व अगर सही नहीं है और निष्पक्ष नहीं है और ईमानदार नहीं है तो आपको न्याय की उम्मीद बहुत कम हो जाती है, आपको न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल है। आज के प्रकल्पग्रस्त इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कहीं ना कहीं उनका नेतृत्व ने उन्हें उनके साथ धोखा किया और प्रशासन के साथ मिली भगत करके उनको न्याय पाने में उनमें देरी आज हुई है और आज इसीलिए उन्हें सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम अगले सेशन में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जितने भी हमारे एक्सपर्ट जो अब तक जो जानकारी आपको दिए हैं,
जो सिडको की भूमिका रही है, जो प्लानिंग में चूक हुई है, और जो अभी नया जो आपने बताया कि जो डीसीआर है और उसके अलावा जो नए यूडीसीआर जो अभी आया है, इससे कितना इम्पैक्ट होगा आने वाले समय में, और उसका खामियाजा जो स्थानिक नागरिक हैं जैसे हम लोग हैं उनके ऊपर कितना पड़ेगा, अगले सेशन में हम ऐसे ही कुछ ग्रुप से जानने की कोशिश करेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए टीवी वन इंडिया।